सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 92, अगर इस क्वेश्चन की हम थोड़ा हल्का सा एनालिसिस करें इस क्वेश्चन नंबर 92 को, तो थोड़ा समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 92। तो ये अपने वेव का क्वेश्चन है जिसमें हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल एंड थर्ड हार्मोनिक की। तो अगर थर्ड हार्मोनिक की मैं बात करता हूँ तो थर्ड हार्मोनिक किसके लिए? थर्ड हार्मोनिक फॉर द क्लॉज एंड पाइप। थर्ड हार्मोनिक में समझते हैं, फंडामेंटल के बाद सीधी थर्ड हार्मोनिक आती है। सो अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरह से, वन टू, दैट इज थर्ड हार्मोनिक। तो ये आपका कौन बना? एंटी नोड। ये कौन बना? नोड। ये कौन बना? एंटी नोड। ये कौन बना? नोड। तो ये हो गया आपका यहाँ से तक लैम्डा बाई टू, और ये हो गया आपका लैम्डा बाई फोर। सो जो टोटल डिस्टेंस आया वो कितना आया? थ्री लैम्डा बाई फोर, दैट इज इक्वल टू लेंथ। तो बोलो फ्रीक्वेंसी कितना होगा इस थर्ड हार्मोनिक का? दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट थर्ड हार्मोनिक एन थ्री इज इक्वल टू वॉट? वी बाय ऑफ लैम्डा। लैम्डा हो गया फोर एल बाई थ्री, सो एन थ्री इज इक्वल टू वॉट? थ्री वी बाय फोर एल। दैट इज द हार्मोनिक ऑफ थर्ड, सॉरी दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक। किसकी है? थर्ड हार्मोनिक किसके लिए? फॉर अ क्लॉज एंड। ठीक है, चलो भाई क्लॉज एंड का हमको थर्ड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी मिल गया, लेकिन ये किसके बराबर है? इट्स अ फंडामेंटल ऑफ, सॉरी फंडामेंटल ऑफ ओपन। सो फंडामेंटल ऑफ ओपन क्या होता है? ये फंडामेंटल ऑफ ओपन हो गया एंटीनोड, एंटीनोड नॉड। सो इट्स अ लैम्डा बाई फोर, एंड लैम्डा बाई फोर दैट इज इक्वल टू कमिटेड लैम्डा बाई टू। सो दैट लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू योर एल। So V is equal to n lambda is again equal to what? V is equal to n lambda is the frequency of the fundamental, is the frequency of the fundamental harmonic of what? Open ended organ pipe. So is equal to V by of L. It's a 2V by L. ठीक है ना? So lambda by 4 plus lambda by 4 is a lambda by 2. So lambda is equal to 2L. I'm so sorry. It is equal to what? 2L. तो ये मैं L dash मान लूँ क्या? क्योंकि इसका लेंथ मैंने L मान लिया, इसका लेंथ कितना है? L। अब दोनों को हम अगर इक्वेट कर लें, दैट इज योर n ऑफ फर्स्ट एंड दैट इज n ऑफ थ्री, बिकॉज क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जो थर्ड हार्मोनिक है फर्स्ट हार्मोनिक के बराबर है। सो n थ्री दैट इज इक्वल टू व्हाट? n वन। सो थ्री वी अपॉन ऑफ फोर एल इज इक्वल टू किसके? v बाय टू एल। गॉट इट? l डैश। सो v से v गया, सो l डैश कितना हो गया आपका? 2 बाय 3 ऑफ l। l डैश हो गया आपका 2 बाय 3 ऑफ l। L तो जानता हूं कितना है, 20। अगर L 20 है तो 2 by 3 of 20 that is equal to 2 into 6.66 and is equal to 13.2 centimeter। फिर वही चीज कि अगर हम क्यों क्यों फॉर्मूले के जाएंगे क्लास में, ऑब्वियसली फॉर्मूले काम आ रहे हैं। देखो मैं आपको जो बोलता हूं वो क्या बोल रहा हूं, जो हमारे क्वेश्चन है उनमें फॉर्मूले यूज हो, फॉर्मूले तो यूज हो ही रहे हैं। See, I'm writing straight forward 3 by 4L is the fundamental, is the third harmonic frequency. V by of 2L is the fundamental frequency. So, agar aap ye place karte hain, then you will get what? 13.2. That means the third option is correct. Okay? Next question number. So, this is question number 93. So, it's a formula based question, nothing else. This is totally formula based question. What is the efficiency of the heat engine? It is written by me as eta is equal to 1 minus of T of sink upon of T of source. ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा है ना सीधा। अच्छा, तो ईटा कितना हो गया आपका? इट इज कहां से काम कर रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कहां काम कर रहा है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहा है। तो 273 केल्विन से कहां काम कर रहा है? 373 केल्विन पे काम। ध्यान रहे केल्विन में लेना, यूनिट फॉर्मूले याद होना चाहिए, बट उसके साथ साथ फॉर्मूले में जो टर्म्स यूज हो रही है ये भी बहुत क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये सारी चीज मिला के ही हमें बूस्टअप करती है। सो ईटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 100 कर दूं क्या? परसेंटेज चाहिए मेरे को, इट्स अ परसेंटेज। सो 1 माइनस टी सिंक इज 1273 केल्विन अपॉन ऑफ 373 केल्विन इनटू ऑफ 100, तो ये कितना आया? तो दैट इज इक्वल टू 100 अपॉन ऑफ 373 इनटू ऑफ 100। व्हेन यू गो फॉर इस कैलकुलेशन यू विल गेट 26.8% इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? अच्छा, अगर मेरे को इस मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा? अगर अप्रॉक्सीमेटली मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरे को इतना देखो अगर ऑप्शंस देखता हूँ, ये भी थोड़ा दैट इज कॉल्ड अ स्मार्ट कैलकुलेशन। व्हाट आई सी सी हियर दैट इज 100 दैट इज 100 इनटू ऑफ 100 एंड मैं अप्रॉक्सीमेट इसको 400 ले लेता हूँ। ठीक है, सो ये गया कितना आया बोलना? 25। लेकिन 25 से थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, क्यों? बिकॉज हमने डिनोमिनेटर को 375 से कितना कर दिया, 373 से कितना कर दिया? 400। सो इट्स 25 से हल्का सा ज्यादा, 26, क्योंकि 25 से ज्यादा तो कोई ऑप्शन है नहीं। सो
दिस इज कॉल्ड स्मार्ट कैलकुलेशन, कि अगर आप ऐसे नहीं वहां पे एक्जैक्टली 100 को 373 से इस तरह से कर रहे हैं, इट्स 100 अपॉन ऑफ 373, सो टेक इट दिस 0.1 एंड समझ आ रही कुछ. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 95 क्वेश्चन. अगर इस क्वेश्चन को हम देखें, सो इसको क्लासरूम में कराया गया क्वेश्चन है, ये भी अगर देखेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन मान सकते हैं. काउंट करते चलना कितने फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, दूसरा फॉर्मुला बेस्ड, जैसे मैंने आपको बताया कि 60% फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन काउंट आपके फॉर्मुला बेस्ड होंगे, तो वो हम अप्रोप्रिएट देखेंगे. सेकंड क्वेश्चन नंबर इस फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन, अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड लाइट को हमने पोलराइजेशन डिस्कस किया था, योर ब्रेवेस्टर लॉ, ब्रेवेस्टर लॉ में क्या बोला था कि व्हेन अ लाइट इंसिडेंट एट पर्टिकुलर एंगल, दैट एंगल इज कॉल्ड द बूस्टर एंगल दैट थीटा, देन सम लाइट गेट रिफ्लेक्टेड एंड सम लाइट गेट रिफ्रैक्टेड एंड बोथ बिकम्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंट थीटा एंड दैट कॉल्ड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, एंड दिस एंगल इज अ 90 degree, इफ दिस रिफ्रैक्ट इंडेक्स इज म्यू, तो आई विल से द साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ साइन ऑफ आर, that is your Snell's law, so sine theta is equal to mu into sine of 90 minus of r. Why I'm taking this, 90 minus of theta, because you can see the theta plus 90 plus of r is equal to what, 180, so that your theta, that r is equal to 180 minus 90 minus of r, 90 minus of theta, so main r ko yahan place karunga as a 90 minus theta, so I'll get that sin theta is equal to what, mu into cos theta, so that will be equal to tan theta is equal to what, mu, and the tan theta is mu, but agar main option check karta hu yahan par to aise option mujhe kuch nahi milta hai ki tan theta is equal to mera mu hai, yani theta is equal to kya hai, tan inverse of mu hai, theek hai, agar aise option mein dekhta hu to aisa kahin nahi likh raha hai, lekin ab jab hum baat karte hain polarization ki, to iske andar hame polarization milta hai, kaun si light polarized hoti hai, रिफ्लेक्टेड लाइट गेट पार्शियली पोलराइज, सॉरी गेट 100% पोलराइज, एंड रिफ्लेक्टेड गेट वॉट पार्शियली पोलराइज, सो ये हो गया आपकी पार्शियली पोलराइज, एंड दैट इज कॉल्ड परफेक्टली पोलराइज, परफेक्टली पोलराइज, ठीक है, ये आपकी, अगर मैं इसको इससे दिखाऊं कि अगर इस तरह से हमारे पास सिचुएशन है, ये जो लाइट होगी इसके अंदर इस तरह से आपके वाइब्रेशंस होंगे, जिसमें डॉट वाइब्रेशन भी होंगे और परपेंडिकुलर वाइब्रेशन भी होंगे, इसमें केवल और केवल एक ही वाइब्रेशन होगा, सो दैट गेट व्हाट, परफेक्टली पोलराइज्ड, इसका मतलब अब मैं अगर ऑप्शंस पढ़ता हूं तो पहला तो गलत, लास्ट वाला भी गलत, रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज विद इट्स इलेक्ट्रिक वैक्टर परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ इंसिडेंस, सो दिस इज योर ट्रू, एंड रिफ्लेक्टेड लाइट इज पोलराइज विद इट्स इलेक्ट्रिक वैक्टर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस. अब देखो प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, एक तो वेक्टर आपका ये वाला होगा और एक वेक्टर आपका ये वाला होगा, तो ऑप्शंस कौन सा सिलेक्ट हुआ हमारा, इट इज रिफ्लेक्टेड लाइट पोलराइज विद इलेक्ट्रिक वेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ इंसिडेंस. ओके दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन 96, इट्स अ वाईडीएसई कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को अगर मैं एनालाइज करता हूं तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन, इट्स नॉट अ सिंपल क्वेश्चन, नो डाउट इट्स अ फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन विद द एरर एनालिसिस, ठीक है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को फिर बोलता हूं तो ये मेरा एक फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन हो गया है बट विद द एरर एनालिसिस. देखो क्या है, अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चंस की तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम, क्या है, इन वाईडीएसई एक्सपेरिमेंट द स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन डी बिटवीन द स्लिट्स 2 mm, यानी हमको स्मॉल डी दिया हुआ है, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट इज यूज्ड 5896 angstrom, एंड द डिस्टेंस कैपिटल डी बिटवीन द स्क्रीन एंड द स्लिट इज 100 cm, इट इज फाउंड that the angular width of fringe is 0.20 degree and increase to increase fringe angular width of 0.21 degree. Now that what is the question, basically we know that angular fringe width kitni hoti hai, aapko malum hai seedha formula, theta is equal to what, lambda by small d. Bhai aap is tarah dekho na, ye aapke to do maxima hai, do maxima ke beech ka distance kya hota hai, beta. Ab agar yahan par mere paas center hai to ye ho gaya aapke angular width, that is called the angular width. तो अगर ये एंगुलर विड्थ है तो ये एंगुलर विड्थ किसको डिफाइन किया जाएगा, दैट एंगल इज इक्वल टू व्हाट, आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ये डी है तो बीटा बाय डी, तो थीटा जो लिख रहा हूं बीटा बाय डी, बीटा हो गया लैम्बडा कैपिटल डी बाय डी डिवाइड बाय डी, डी से डी गया, सो बीटा आई मीन सो थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाय डी, सो दैट लैम्बडा इज कॉन्स्टेंट. नाउ इफ यू सी द चेंज इन द एंगुलर विड्थ, this is 0.01, very small, so if I write the error formula, so I will write del theta by of theta is equal to what, del d by of d, so it's a minus of del d by of d,
ठीक है ना, डेल थीटा इज इक्वल टू माइनस डेल डी बाई ऑफ डी. सो डेल थीटा बाई थीटा, दैट डेल थीटा कितना है आपका, इट इज 0.01 0.21 माइनस ऑफ 0.20 डिवाइड बाई ऑफ थीटा इज अ पॉइंट ऑफ 20, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल डी बाई ऑफ डी, एंड दैट इज इक्वल टू वॉट, माइनस इट्स 0.01 अपॉन ऑफ 0.20 into of d, that is equal to what, minus of del d. ठीक है, now it's a 0.01 upon of 0.20 into of d, कितना है आपका, d is your 2 mm, so it's a 2 mm is equal to minus of del d. Now this is 0.20, 0.20 1 by 2, 0.1 is equal to minus of del d. Now 0.1 is equal to minus d final minus of d initial. So d final minus ka is tarah jayega d initial. So that is d final is equal to what, d initial minus 0.1, and you know d final is equal to 2.0 mm minus 0.1 mm, that will give us a 1.9 mm. Your right answer of the question number of this 96 is second, 1.9 mm. Okay. ठीक है, कितने क्वेश्चन हुए हमारे फॉर्मुला बेस्ड, हम 3 क्वेश्चन फॉर्मुला बेस्ड हो चुके हैं. चौथा क्वेश्चन दिखा रहा हूं. एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी कैपेसिटर और 100 माइक्रोफेरेड रेजिस्टर 50 ओम कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सोर्स ऑफ ईएमएफ वी इज इक्वल टू 10 sin 3 140. ठीक, द पावर लॉस इन द सर्किट, पावर लॉस इन सर्किट, एसी सर्किट में हम सीधा ही लिखते हैं क्या, इट्स अ वीआरएमएस इनटू ऑफ आईआरएमएस इनटू ऑफ कॉस फाई, दैट इज इक्वल टू पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस, और इसका एक और फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर आरएमएस अपॉन ऑफ जेड स्क्वायर इनटू ऑफ cos phi, sorry, into of r. ठीक है, अच्छा थोड़ी कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन के अंदर. कैलकुलेशन में क्या है, z क्या है तेरा, रूट ऑफ x r स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर. तो रूट ऑफ r, r कितना आपका 50 का होल स्क्वायर प्लस xl कितना है, ओमेगा l. तो मैं अगर xl को इधर कैलकुलेट करता हूँ तो इट्स ओमेगा l. ओमेगा कितना है आपका, 314 इंटू एल, एल आपका है 20 मिली हेनरी, इट्स 20 मिली हेनरी 10 माइनस 3. ठीक है, तो एक्सएल कितना हो गया आपका, 314 इंटू 200, 0826 10 माइनस 3. ठीक है ना, तो ये हो गया 6.28, तो एक्सएल हो गया आपका 6.28 हेनरी, सॉरी ओम, एक्सएल हो गया. एक्स सी कितना होगा बोल, 1 बाय ओमेगा सी, 1 बाय ओमेगा, ओमेगा कितना है 314 इंटू सी कितना है 100 माइक्रोफेरेड, तो 100 माइक्रो 10 पावर 6, तो हो गया 10 पावर 4 अपॉन ऑफ 314 इंटू ऑफ 100. तो ठीक है 314. अच्छा अब अगर मैं एक्स सी इसको हल्का सा थोड़ा स्मार्टली मैं अगर कैलकुलेट करूँ, मेरे पास ऑप्शन जो है वो है 0.79 ऑफ 0.43. तो अब इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो एक काम करते हैं हम इसको 314 को मैं अगर इसको 33.33 लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ क्या, सो ये हो गया आपका 1 अपॉन ओमेगा सी, तो 10 पावर ऑफ 100, मैं इसको 300 मान लेता हूँ, तो 10 पावर ऑफ 2 इंटू 10 पावर ऑफ 2 अप्रॉक्सीमेटली मैंने इसको 300 मान, तो जो ऑप्शन आएगा उसको हम देख ले एड्रेस कर लेंगे. इसको मैंने 300 ले लिया, 300 ले लिया तो ये 0 डबल 0, तो ये हो गया 33.33. ठीक है ना, अब इस 33.33 को मैं अप्रॉक्सली 33 मान लेता हूँ, क्योंकि जो चीज़ कम ली है उस ज़्यादा थी, 314 थी. ठीक, तो ये 33 हो गया. अब अगर 33 हो गया और 33 में से हम अप्रॉक्सली 7 सब्ट्रैक्ट कर ले, अप्रॉक्सली कर रहा हूँ मैं ना, ये आपका 33 और ये 6.28 को 7 मान लेता हूँ मैं, तो जो मेरी कैलकुलेशन होगी देखना क्या होगी, 33 माइनस 7 ये जाएगा आपके पास अप्रॉक्सली 26 का होल स्क्वायर. इसको 25 मान लेते हैं इसको, तो ये हो गया 25 को बाहर ले लो, तो 25 इंटू ऑफ ये हो गया आपका 4 प्लस 1, तो ये आ गया 25 इंटू रूट 5. ध्यान रहे कैलकुलेशन में यहाँ पे हमने बढ़ाया हल्का सा, है ना, घटाया, सॉरी सब चीज़ घटा, यहाँ पे घटाया हमने, तो 25 इंटू रूट 5 हो गया, तो 25 बाई रूट इंटू रूट 5. वी आर एम एस कितना है आपका, वी आर एम एस अगर चेक करते हो आप, वी आर एम एस है आपका 10 बाई रूट 2, सो ये हो गया 100 बाई रूट 2, यानी 2 इंटू ऑफ जेड स्क्वायर 25 इंटू रूट 5 इंटू ऑफ आर हो गया आपका कितना ओम, 50 ओम. ठीक है, अच्छा ये जेड स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं. ओके, तो ये कितना हो गया आपके पास, 100 इंटू ऑफ 50 अपॉन ऑफ 2 इंटू 625 इंटू 5.
अच्छा अब ये देखो, आप यहाँ से जीरो से जीरो चला जाएगा, टेन ये 500 हो गया, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इट्स अ 500 अपॉन ऑफ 625। सही किया ना, इट्स 510 500 अपॉन 625। 25 से इसको कट करते हैं, 20 अपॉन ऑफ 25, और ये आता है आपका अप्रॉक्सिमेट 0.8। तो जो आंसर आ रहा है वो 0.8 वॉट आ रहा है। अगर आप इसमें देखेंगे तो नियर बाय 0.8 के जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है आपका 0.79। सो राइट ऑप्शन इज थर्ड ऑफ दिस 103 क्वेश्चन नंबर, करेक्ट।